राधे राधे जय महादेव वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप आप अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे तंदुरुस्त होंगे मैं भी अच्छी हूँ स्वस्थ हूँ तंदुरुस्त हूँ तो बस सुबह का टाइम है बस करते हैं मॉर्निंग रूटीन चालू सुबह का काम स्टार्ट करते हैं तो सुबह के टाइम कुछ इस तरीके से घर की हालत हो जाती है पूरा जो बेडरूम है वो इस तरीके से कुछ है तो जो पूरा बेड बिखरा पड़ा हुआ है और पीछे जो टावल रखा हुआ उसको भी मैं बाहर की तरफ सुखा दूंगी तो बस उसके बाद यहाँ पर जो बेड है वो सबसे पहले ठीक करेंगे यहाँ पर कपड़े हैं वो भी धुल चुके हैं तो सुबह सुबह मैंने थोड़ा सा सूट नहीं किया तो वो सारा काम कर दिया आंगन की सफाई कर दी बाहर गली में साफ़ कर दिया पूरा आंगन में पोछा कर दिया था तो वो मैंने कुछ भी सूट नहीं किया था तो बस आ चुके हूँ यहाँ पर बेडरूम में यहाँ पर बेड है वो भी अच्छे से सेट से से कर दिया है तो बस यहाँ पर कल के दो चार कपड़े रह गए थे फोल्ड कर कर रखे थे उसको भी मैं इस तरीके से मैं सेट कर देती हूँ तो यहाँ पर भी इस तरीके से सारी चीज़ें पड़ी है तो उसको भी मैं यहाँ से हटा दूंगी ये वाला जो यहाँ पर रखा हुआ है टैंकर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा था तो उसको भी हटा देती हूँ तो बस इसी तरीके से जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती है जो मुझे नहीं चाहिए होती वो मैं निकाल देती हूँ तो इसी तरीके से जो हमारा घर डी क्लचर रहता है इस तरीके से हम चीज़ें नहीं निकालते तो फिर पूरा घर इस तरीके से भर जाता है तो जो चीज़ की ज़रूरत नहीं होती उसको मैं निकाल ही देती हूँ तो जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा मुझे लग रहा था वो मैंने हटा दिया है क्योंकि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा था तो बस यहाँ पर एक मेरा हेयर बैंड है वो रखा है तो इसको भी यहाँ पर टांग कर रखा है इसके अंदर स्पेरो स्पेरो है तो नवरात्रि अभी आने वाली है तो बस इसको यहीं पर मैंने टांग कर रखा है देखने में भी अच्छा लग रहा है तो बस इसको बंद कर देते तो अब चलते हैं किचन में आज मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम करना है तो यहाँ पर किचन में जो ग्लास के यहाँ पर कैबिनेट है उसके ग्लास है उसको मुझे आज क्लीन करना है तो बस इसी तरीके से मैं ये काम करती हूँ घर का हफ्ते में एक बार इस तरीके से मैं पूरा क्लीन कर देती हूँ क्योंकि किचन में ज़्यादा गंदा होता है ऑयल वगैरह का यूज़ होता है किचन में हम सब्जी वगैरह का तड़का देते हैं कुछ तलने वाली चीज़ें होती है तो हमारे इंडियन किचन में इस तरीके से थोड़ा सा मेसी हो ही जाता है चिकनाहट आ ही जाती है तो मैं हफ़्ते में एक बार अच्छे से क्लीन कर ही देती हूँ ऐसा करने से बिल्कुल भी हमारा किचन गंदा नहीं दिखता है हर समय हमारा किचन वेल ऑर्गेनाइज नीड एंड क्लीन साफ़ सुथरा दिखता है बस कुछ कुछ हैबिट हमें चेंज करने की ज़रूरत होती है तो हमारा घर हमेशा वेल ऑर्गेनाइज दिखता है तो बस वो वाला करने के बाद आ चुकी हूँ इस बाजू पे तो इसके अंदर सारे कांच के ग्लास डिशेस वो सारी चीज़ें रखी है आइसक्रीम का सेट है और कुछ कुछ इस तरीके से जो सारे कांच की चीज़ें इसके अंदर रखी है तो इसको भी मैं अच्छी तरीके से क्लीन कर दूंगी साफ कर दूंगी तो किचन में जो मेरे कांच के ग्लास के कैबिनेट है उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है साफ कर दिया है तो उसके बाद बारी आती है फ्रिज की उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी साफ़ कर दूंगी तो मैं फ्रिज को डेली के डेली ही सफ़ाई करती हूँ बाहर से अंदर से पूरा डीपली नहीं करती हूँ बाहर की तरफ़ धूल ज़्यादा उठती है यहाँ पर किचन के पास ही मेरा फ्रिज रखा हुआ है तो सिंक में बर्तन वगैरह करते हैं तो कभी कभी वो भी छींटे उठते हैं तो बाहर की तरफ मैं डेली के डेली सफाई कर लेती हूँ अंदर की तरफ मैं हफ़्ते में एक बार पूरा वीकली डीप क्लीनिंग करती हूँ तो बस यहाँ पर भी इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूंगी ये सोपी से ऑर्गेनाइज की तरह मैंने रखा हुआ है यहाँ पर और सामने यहाँ पर तोरण रखे हुए उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी तो इसी हैबिट से मैं घर की जो क्लीनिंग करती हूँ तो मेरा घर हमेशा हर समय वेल ऑर्गेनाइज रहता है साफ़ सुथरा रहता है तो यहाँ पर हमारे घर की चाबियाँ रहती है तो यहाँ पर भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी क्योंकि डेली के डेली सफाई होती है लेकिन डस्ट उठती है तो बस उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी साफ़ कर दूंगी यहाँ पर मेरे लिविंग रूम में ये विंडो है वहां पर आज मुझे पर्दे चेंज करने हैं तो पर्दे को भी निकाल लिया है तो बस इस तरीके से मैं उसको दोरी से नोट बांध दूंगी तो जो उसमें रिंग है वो मशीन में डालती है तो वैसे निकल जाती है तो इस तरीके से नोट बांध कर जो पर्दे को वॉश करते हैं तो बिल्कुल भी, भी रिंग खराब नहीं होती है तो जब भी मुझे पर्दे वॉश करने होते हैं तो मैं इसी तरीके से नोट बांध देती हूँ तो बस इसको रख देते हैं अलग तो सामने जो विंडो है उसको भी मैं हाथ हाथ क्लीन कर दूँगी तो जब भी मैं पर्दे चेंज करती हूँ तब सबसे पहले यहाँ पर अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ डस्टिंग कर देती हूँ तो बस इसी तरीके से मैं जो घर का काम मैनेज करती हूँ मॉर्निंग के टाइम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इतना मैं काम कर लेती हूँ ताकि शाम के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा फ्री रह सकूँ और हफ्ते में तीन चार बार मैं वॉक करने भी चली जाती हूँ शाम को तो पहले मैं डेली के डेली जाती थी लेकिन अभी कभी कभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है एडिटिंग का काम फिर वॉइस ओवर करना तो थोड़ा सा मेरा काम काज कुछ इस तरीके से हो चुका है वरना मैं पहले डेली के डेली शाम को तीन या चार किलोमीटर वॉकिंग करती ही थी पर आजकल मेरा कुछ इस तरीके से हो चुका है लेकिन फिर से मुझे टाइम निकालना ही है देखती हूँ कब से मेरा रूटीन जो एकदम रेगुलर होता है तो बस यहाँ पर अच्छे से मैंने डस्टिंग भी कर दी और यहाँ पर पर्दे है वो भी चेंज कर दिए है उसके बाद बारी आती है सोफा को क्लीन करने की इससे पहले यहाँ पर जो सारी चीज़ें पड़ी हुई उसको मैं हटा दूँगी ताकि मैं अच्छे से यहाँ पर डस्टिंग कर सकूँ तो आज ये सारे पिलो कवर उसको मैं डस्टिंग जो करने वाली हूँ वैसे तो क्लीन ही है लेकिन फिर भी मैं हफ्ते में दो बार इसी तरीके से उसको क्लीन कर ही देती हूँ तो बस सारे पिलो उसको मैं अच्छे से इस तरीके से झाड़ दूँगी ताकि ऊपर जो भी डस्ट है वो निकल जाए उसके बाद यहाँ पर सोफ़ा है उसको भी मैं अच्छे से झाड़ देती हूँ ताकि जो भी डस्ट मिट्टी है वो निकल जाए तो बस यहाँ पर मेरा जो तो सोफ़ा है उसके कवर को इस तरीके से खींच कर मैं सेट कर देती हूँ ताकि जो भी सरवटें है वो निकल जाए तो बस हार्डली मुझे यहाँ पर सोफ़ा क्लीन करने में सिर्फ पाँच मिनट ही लगते हैं बस उसी में मेरा जो सोफ़ा है अच्छे से सेट हो जाता है बिल्कुल भी ज़्यादा देर नहीं लगती है तो एक साइड का सोफ़ा मेरा अच्छे से सेट हो चुका है तो जो दूसरी साइड है वहाँ पर भी मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर दूँगी साफ़ कर दूँगी सोफा को अच्छे से सेट करने के बाद यहाँ पर सोफा से जो अटैच मेरी यहाँ पर टेबल है उसको भी मैं क्लीन कर दूंगी तो यहाँ पर जो सारी चीजें है वो सब मैं हटा दूंगी ताकि मैं अच्छे से यहाँ पर डस्टिंग कर सकूँ तो इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी और ये पर्दे उसको में मैं लॉन्ड्री बास्केट में डाल दूंगी धुलने के लिए क्योंकि आज के कपड़े धुल चुके हैं तो इसको मैं कल धुलूंगी तो उसके बाद यहाँ पर जो मेरा टीवी यूनिट है वहाँ पर भी सारी चीजें आप देख सकते हैं पड़ी हुई है क्योंकि बाहर से आते ही यहाँ पर सीधा जो स्पेस होती है तो आदत है कि रख ही देते हैं तो सुबह के टाइम यहाँ पर जो सारी चीजें होती है सबसे पहले मैं वो उठा लेती हूँ ताकि मैं अच्छे से वहाँ पर डस्टिंग क्लीनिंग कर सकू तो बस कुछ इस तरीके से हम हाउस वाइफ का जो मॉर्निंग का रूटीन है मॉर्निंग का घर का काम है वो चलता रहता है तो बस मैंने टी को अच्छे से साफ़ कर दिया है वहाँ पर नीचे भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी तो बस इसी तरीके से जो मेरा घर का काम है वो सुबह एक टाइम चलता रहता है तो सबसे लास्ट में यहाँ पर पूरे घर में बारी आती है झाड़ू निकालने की तो अंदर दोनों रूम में मैंने झाड़ू निकाल दिया है तो बस यहाँ पर लिविंग रूम है वहाँ पर भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी सोफा के नीचे बैठ कर अच्छे से मैं वहाँ पर निकाल देती हूँ क्योंकि नीचे की तरफ डस्ट होती है तो बस इसी तरीके से झाड़ू निकालने में भी मुझे सात या आठ मिनट लग ही जाता है तो बाहर की तरफ तो आंगन में पूरा क्लीन कर लिया है तो बस यहाँ पर भी मैं कचरा है उसको मैं भर दूंगी तो बस सुबह के टाइम कुछ इस तरीके से जो मेरा रूटीन रहता है और जितना हो सकता है उतना घर का काम सुबह के टाइम ही मैं निपटा देती हूँ और जो भी एक्स्ट्रा मुझे कुछ काम करना होता है वो भी मैं इसी तरीके सुबह के टाइम एक एक ले ही लेती हूँ तो इस तरीके से जो हमारा समय बहुत ही बचता है काम करने में घर का तो बस इस तरीके से हम करते रहते तो फिर हमें आलस भी नहीं आती है अगर नहीं करते तो फिर जो काम है घर का इकट्ठा हो जाता तो फिर हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बोरिंग लगता है काम करना तो इसी तरीके से मैं घर का काम जो मॉर्निंग के टाइम करती हूँ तो एक एक काम इस तरीके से एक्स्ट्रा कर देती हूँ ताकि हमें बर्डन भी न लगे बोरिंग भी न लगे और आराम से जो हम घर का काम भी इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं तो बस यहाँ पर झाड़ू भी मैंने लगा दिया है उसके बाद बारी आती है पोछा लगाने की तो बस अंदर दोनों रूम में भी पोछा लगा दिया है किचन में लिविंग रूम में तो बस इसी तरीके से जो मेरा घर साफ़ सुथरा दिखता है तो मुझे एक अलग ही खुशी मिलती है अलग ही पॉजिटिव वाइब्स मिलती है तो बस पूरा घर का काम हो चुका है एक अलग ही मन को मुझे सुकून मिल रहा है जब भी पूरा घर का काम हो जाता है तो बस आ चुकी हूँ यहाँ पर किचन में जब मैं काम कर रही थी तब यहाँ पर मैं पोटेटो उबालने के लिए रख गई थी और इसके अंदर है हलवा आलू है वो हो चुके हैं जब मैं घर का काम कर रही थी तभी मैंने उबालने के लिए रख दिया था तो इसको मैंने अलग डिश में निकाल कर साइड में रख दिया है ताकि जब तक मैं आम का रस बनाऊँ तब तक ये ठंडा हो जाए तो बस मैंने आम को रफली काट लिया है उसके अंदर मैं थोड़ा सा डालूंगी दूध थोड़ी सी चीनी उसको ब्लेंड कर देंगे तो कुछ इसी तरीके से मैं आम का रस बनाती हूँ सबकी अलग अलग रीत होती है कुछ लोग अंदर दूध डालते हैं कुछ लोग नहीं डालते लेकिन हमारे घर में दूध वाला ही सबको पसंद है तो बस हम इसी तरीके से बनाते हैं तो वैसे तो आप लोग इसे मैंगो शेक भी बोल सकते क्योंकि हम दूध डालकर ही बना रहे हैं थोड़ा सा उसको पतला रखेंगे तो फिर मैंगो शेक ही हो जाएगा तो बस मैंने ब्लेंड कर दिया है इसको रख देंगे फ्रीज में ताकि दोपहर तक बिल्कुल ठंडा हो जाए एकदम चिल चिल और उसके बाद यहाँ पर डो है वो भी मैं बनाकर रख दूंगी ताकि थोड़ी देर जो आटा है वो रेस्ट हो जाए तो फिर उसके पराठे बहुत ही अच्छे बनते हैं तो आज मैं मेरे बेटे को चीज़ वाले आलू के पराठे खाने हैं वो बनाऊंगी तो बस यहाँ पर आटा है वो भी मैंने निकाल दिया है डो को तो बस इसको मैं अलग बाउल में ट्रांसफर कर देती हूँ ताकि जो भी एक्स्ट्रा बर्तन हो मैं फिर धुल देती हूँ तो फिर पंखा चालू था तो थोड़ा सा आटा ज़्यादा यहाँ पर उड़ाया तो उसको यहाँ पर मैं क्लीन कर दूँगी किचन को तो प्लेटफॉर्म को मैं इसी तरीके से जब भी आटा गूंथती हूँ तो क्लीन कर ही देती हूँ तो बस इसके अंदर है सारे मसाले तो एक डिब्बे के अंदर ही मैं इस तरीके से सारे मसाले रखती हूँ तो इसके अंदर से जो पेरी पेरी मसाला है वो मैं निकालूंगी क्योंकि मेरे बेटे को ये मसाले वाले आलू के पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं बाकी जो सारे मसाले वो मैं फिर से फ्रिज के अंदर रख दूँ तो ज़्यादातर सारे मसाले मैं फ्रिज में ही रखती हूँ क्योंकि उसके अंदर जो बिगड़ने का बिल्कुल भी, भी डर नहीं रहता है कभी कभी जो बाहर रखते हैं तो उसके अंदर कीड़े लग जाते हैं तो फ्रिज में एकदम सेफ़ रहते बिल्कुल भी, भी ख़राब नहीं होता है सारे मसाले तो बस यहाँ पर जो चीज़ है वो भी मैंने निकाल दिया है उसको ग्रेट कर लूँगी पोटेटो इसको मैंने हाथों से मैश कर दिया है तो यहाँ पर जो पेरी पेरी मसाला है वो डाल दूंगी और अच्छे से उसको मिक्स कर दूंगी आप चाहे तो चम्मच से भी कर सकते हैं लेकिन मैं तो हाथों से ही करती हूँ मुझे हाथों से ही संतुष्टि मिलती है तो बस इसी से मैं करती हूँ अच्छे से मैं उसको पूरा मसाला मिक्स कर दूंगी उसके बाद आलू के पराठे बनाएंगे तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो मैं इस तरीके से अलग अलग जो बनाती हूँ कभी ये बनाया कभी और बनाया मैं एक ही मेथड से आलू के पराठे नहीं बनाती हूँ जो मेरे बेटे का मन होता है उस हिसाब से वो बोलता है उस तरह से बनाती हूँ तो यहाँ पर जो मेरी ये फ्रिज की मेट है आजकल मैं वही करती हूँ इस तरीके से बिछा देती हूँ और रोटी बन जाती है उसके बाद सीधा इसको उठा कर, उसको डाल देती हूँ सिंक में अच्छे से हो जाती है वॉश तो मैं आजकल कपड़ा नहीं बिछा रही हूँ तो बस यहाँ पर इस तरीके से मैंने जो दो रोटी है वो बेल ली है उसके बाद ये स्टफिंग है वो मैं लगा दूंगी और उसके बाद उसके ऊपर चीज़ लगाएंगे तो मेरे बेटे को इसी तरीके से पसंद है तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ मुझे पता है इस तरीके से नहीं बनते आलू के पराठे तो मैं एक रोटी के नहीं बनाती हूँ मेरा बेटा बोलता है कि बहुत ही मोटा मोटा होता है तो उसे इस तरीके से पसंद है इस तरीके से बनाने से थोड़ा सा पतला होता है सबके पास इस तरीके से नहीं होता होगा लेकिन मुझसे जो इस तरीके से थोड़ा सा मोटा हो जाता है तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ तो इससे जो पतला होता है तो मेरे बेटे को यही पसंद है तो बस स्टफिंग लगाने के बाद और चीज लगाने के बाद थोड़ा सा मैंने बेल दिया है तो यहाँ पर तवा भी गर्म हो चुका है सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा घी लगा दूँगी ताकि चिपके नहीं पराठा अगर आप चाहे तो तेल में भी बना सकते हैं लेकिन मैं ज़्यादातर मेरे बेटे को घी में ही बना कर देती हूँ हम भी घी में ही खाते हैं तेल जितना हो सकता है उतना हम कम खाते हैं बाकी तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है आप चाहे तो तेल में भी बना सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि घी में ही बनाना है और पराठा है उसको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक सेक दूँगी और अच्छी तरीके से पूरा चीज़ इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा वाले पराठे खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं मेरे बेटे को गरम गरम दे रही हूँ वो खा रहा है बज गए हैं चार तो बस खिचड़ी है वो मैं भिगो कर रख देती हूँ रोटी बना दी है तो ये जो मेरा हाथ है इसमें मुझे नेल्स करवाने इस हाथ में तो है तो बस ये हाथ में मुझे करवाने जाने हैं तो इसीलिए जो ये खाना आधा बना दूंगी सिर्फ मैं कड़ी बनाऊंगी वो मैं आकर बनाऊंगी बालों में कल शाम को मैंने तेल लगाया है तो आज रहने दूंगी कल वॉश करूंगी थ्रेडिंग भी करवानी है तो बस अभी जाऊंगी भूज तो एक हाथ में तो नेल से एक हाथ में करवाऊंगी तो बस ये कपड़े है वो मैं चेंज कर देती हूँ उसके बाद मैं मिलती हूँ आपको तो बस तैयार हो चुकी हूँ मैं यहाँ पर रोटी है वो भी बना दी है यहाँ पर खिचड़ी भिगो कर रख दी है और कड़ी बनाऊंगी तो वो भी मैंने यहाँ पर अलग रख दी है आकर सीधा मुझे तड़का ही देना रहेगा तो खिचड़ी है वो मेरा बेटा है वो चढ़ा देगा मैंने उसको बोला है कि चढ़ा देना बस आकर सिर्फ कड़ी ही बनानी है तो बस लाइट्स बंद करते हैं और चलते हैं ये से वो भी ले लिया है तो बस मिलते हैं सीधा आपको पार्लर में तो आ चुकी हूँ मेरी बहन के घर तो मेरी बहन ने जो मेरी थ्रेडिंग की आईब्रो बना दिया है तो अभी भी समय था पार्लर जाना है लेकिन उससे पहले यहाँ पर मेरी बहन ने कहा चलो मैं तुझे फेसियल कर देती हूँ तो फिर मैंने कहा ठीक है कर दो क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट थी वो नेल्स की छः बजे की थी तो मैं मेरे बहन के घर चार बजे आ गई थी तो बस थ्रेडिंग करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है और यहाँ पर जो मंगलसूत्र पहना है वो भी मेरे बहन ने कहा निकाल दो फेसियल में फिर अच्छा नहीं होता है आड़े आता है तो मैंने कहा ठीक है कर दो तो फिर इतना रिलैक्स लग रहा था फेसियल करा रही थी तो ये मेरी बहन है तो ये उसका बेटा भी घूम रहा है इधर उधर तो बस थोड़ी देर के लिए चली गई तो उसने बोला मुझे कि मैं कर देती हूँ मैंने कहा ठीक है कर दो मुझे तो बस मेरा जो मसाज भी हो चुका और लास्ट में यहाँ पर फेस पैक है वो लगा दिया है तो बस थोड़ी देर उसको रहने दूंगी उसके बाद फेस है मैं वॉश कर दूंगी तो चलते हैं बाहर मेरी बहन मुझे बुला रही थी आवाज दे रही थी ये रहा हर ये मेरी बहन का बेटा है तो ये बेचने वाले भैया आए थे तो मेरी बहन मुझे बोल रहे थी कि सिंग खानी है गर्मा गर्म तो फिर मैंने कहा ठीक है थोड़ी सी ले लो और यहाँ पर हर की मस्ती चालू है वो चला रहा है साइकिल तो ले ली है गर्मा गर्म सिंग किस किस को ये गर्मा गर्म सिंग पसंद है तो हमें तो बहुत ही पसंद है तो बस बैठ कर खाते है गर्मा गर्म सिंग उसके बाद जाएंगे पार्लर तो बस मेरे पास आज टाइम था तो आ चुकी मेरी बहन के पास तो इस तरीके से जब भी समय मिलता है तो हम दोनों बहन एक दूसरे के घर चले जाते हैं तो बस यहाँ पर मैं हर चीज से बातें कर रही थी तो हम दोनों बहनें पहुंच चुकी है पार्लर में नेल्स करवाने के लिए तो बस इस तरीके से कुछ मैंने करवाए एक ही कलर के तो इसके अंदर मैंने रखा है सेट करने के लिए 60 मिनट के लिए और एक नेल्स में मैंने यहाँ पर करवाया है केट तो आप देखना आगे और ये था आज का छोटा सा वीडियो तो आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर कर जाए और बाजू में दी गई बेल आइकन को दबा दे ताकि जो भी मेरा अगला वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में नई उम्मीद के साथ तब तक के लिए बाय